यार सब एक बात बता, काले लोगों के वोट क्यों नहीं बढ़े? पिच साफ करते हैं क्रिकेट पिच। हाँ अरे अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है नया ब्लॉग, नई एक नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत। क्योंकि जब रात को सूरज जाता है तो अंधेरा होता है, फिर उसके बाद अगले दिन फिर सूरज आता है। वाह, तो मतलब नई किरण और नई उम्मीदें। और मतलब कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, खैरियत होगी। तो आज हम आए हैं, किधर आए? रिकॉर्डिंग स्टूडियो आए। और बस आप खुद देखिए यार, कुछ नहीं यार, फाइल लेने जा रहा हूँ और पाकिस्तान भेजनी है उसको, USB इधर देखते हैं हम टीवी और उन्हें चलाने का ना। ये तो सीन्स यही हैं, सीन्स नहीं सॉरी, ये तो किसी और की लाइन, मतलब खैर। तो प्लान ये है कि हम जाएंगे, गाना उठाएंगे और फिर हम ईमेल करेंगे जो कि अपकमिंग सॉन्ग है और टेलीविजन पे होगा, फिर चल चल और लिफ्ट को फिर से बात करते हैं। तो खैर, तो मैं कह रहा था अभी हम जा रहे हैं जिनके घर, उनका स्टूडियो दिखाएंगे आपको, आपके होश उड़ जाएंगे या फिर नहीं उड़ेंगे शायद होश, क्योंकि आप लोग ने शायद स्टूडियो देखा होगा या नहीं देखा होगा, मुझे नहीं पता। तो बहरहाल मैं एक्साइटेड इसलिए क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद इस बंदे का स्टूडियो देखा और इसने लोकेशन भी चेंज की है। तो यस, लास्ट टाइम में आया था हम लोगों ने कौन सा मैजिकल गाना रिकॉर्ड किया था स्टूडियो में विद शहरियार, एंड ही इज़ अ गुड गाय और वो बेचारा अब जा चुका है। तो शहरियार अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो आपको सलाम और दुआ में याद रखिएगा और खुश रहिएगा शहरी भाई आप भी। दिस इज़ फॉर माई व्लॉग, दिस इज़ ड्रिजी, दिस गाइज बिहाइंड ऑल माई सॉन्ग। Drizzy, how do you feel like being the guy like in the back end, working hard every single night? I feel good. Hamari Balila. Oh ji Balila. ये टीचर्स पूछती हैं जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं ना बैठ के, तो जब सवाल आता है तो आप बोलते हो ओ शिट ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ओ शिट। फिर टीचर इन्विजिलेटर तुम्हारी तरफ मुड़ती है स्लोली और कहती है क्या तुम्हें याद है? क्यों साउद भाई? यस, और कुछ नहीं याद होता। अच्छा जी, तो अभी हमने क्या कहते हैं USB फाइल ले लिए, तो अब हम जा रहे हैं फाइल सेंड करने। खाना, ओह यस, खाना भी खाएंगे हम, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया, भूख लगी हुई है भाई। तो खाना सीन ऑन। जाने से पहले हमेशा सीट बेल्ट फर्स्ट, बिकॉज सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। एंजॉय द व्यू। And we have reached our destination. खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह फांडिंग पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाह फांडिंग। क्या स्वाद है, ज़बरदस्त। वाह, अभी इनकी डिलीवरी सर्विस भी शुरू हो गई। अगर आप साइप्रस में और आपके पास स्वीट मी एप्लीकेशन है तो उसमें आप सबान जी ऑर्डर कर सकते हैं, एंड यू कैन गो इन टू द लकी ड्रॉ एंड यू कैन विन a goddamn new iPhone and PS4. मैं झूठ बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अब ये फीड मी पे भी अवेलेबल है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और सस्ता खाना आपके घर के दरवाजे। क्यों सावधान, खाना खाने दो। ओके
2000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया है। साउद आदम को कैसा लग रहा है? आप सही लग रहा है। आप पेट आपका अच्छा लग रहा है? जी जी बहुत जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस खाने की ना खूबसूरती यही है कि जब पेट में जाता है तो अच्छा लगने लगता है सब। बिल्कुल ज़िंदगी प्यारी लगने लगती है। देखें हरियाली हर तरफ नज़र आने लगती है, खूबसूरती नज़र आने लगती है। वरना जब खाना नहीं जाता तो गुस्सा आने लगता है। गुस्सा दिखाएं कैसे आता है? हाँ ये ठीक है, आया है गुस्सा। तो अभी वो खाना खाया ना तो इसलिए वो कैरेक्टर में आ गए, खुशी वाले कैरेक्टर। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? घर जाके बाकी वो ब्लॉग ट्रांजिशन। हाँ तो नाज़रीन हम आ गए घर, अब काम कर रहे हैं हम। यू नो वी डू दिस एवरी डे एंड ग्राइंड ग्राइंड ग्राइंड, ग्राइंडिंग इज लाइफ। जैसे कि मेरे साथ है सऊद आज़म और हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, द प्लानिंग टू डू मोर वर्क मोर फ्यूचर मोर ग्राइंड एवरी सिंगल डे। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो आपको मेहनत का फल मीठा मिलता है, और आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको मेहनत का फल मीठा नहीं बनेगा। तो इसलिए मेहनत करते रहें, खुश रहें, वो करें जिससे आपको दिली का सुकून मिले, और वो करें जिससे आपको दिली खुशी मिले। क्योंकि आप अपने ड्रीम पे काम करते हैं तो खुद ही आपके नसीब अच्छे होते चले जाते हैं। मतलब आपको एक सब्र भी करना होता है, ये नहीं होता कि आप चाहें तो आप उठें और यू जस्ट डू लाइक यू जस्ट थिंक एंड यू गेट इट ऑन। नो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क इन इट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इट, एंड अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट डोंट बिलीविंग इन योर ड्रीम्स यू नॉट गोना अचीव इट। सो इट्स बेटर यू स्टार्ट ड्रीमिंग एंड यू बेटर स्टार्ट वर्किंग, एंड आई मीन वर्किंग एज इन वर्किंग हार्ड ऑन योर ड्रीम्स, यू गोना गेट इट। Yeah man, isn't नहीं इंग्लिश मेरी बेड़ा गर्क हो गया। सऊद आज़म क्यों मैं सही नहीं कह रहा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बैठने से कुछ भी नहीं मिलता है, जैसा है वैसा नहीं। ये लोग हमें छोड़ो, ये लोग नहीं, आप जब तक खुद नहीं बनाएंगे ना काम, करेंगे नहीं ना काम, तो आपको आपका काम नहीं होगा। तो अभी हम फाइल भेज दें, मिनट चले जाएगा, फिर उसके बाद हम आते हैं गुफ्तगू करते हैं। ये है सऊद आज़म, मैं हूँ नजमुल हसन, नज ब्लॉग का ओनर। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, और क्या खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे, जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े में होंगे।